हरियाणा के हिसार में दलित समाज की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। आरोपों की माने तो काले पर्दे से ढके ऑटो में अपहरण कर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। यहां यह भी बता दें कि इस मामले में हिसार पुलिस की डीएसपी भारती डबास की सतर्कता से छात्रा के साथ दुष्कर्म व उसका मर्डर होने की वारदात टल गई है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने छात्रा का दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने की भी साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से ऑटो से चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने चालक शिवनगर निवासी विनोद व चालक के मौसेरे भाई नवीन को काबू करके दोनों के खिलाफ मारपीट, अपहरण, छेड़छाड़, धमकी व SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। छात्रा काफी सहमी व डरी हुई अवस्था में थी, क्योंकि दोनों अपहरणकर्ताओं ने युवती के साथ दुष्कर्म करके चाकू से मारने की धमकी दी थी। जानकारी के अनुसार हिसार में मिलगेट कैंची चौक से छात्रा कॉलेज के लिए ऑटो में बैठी थी। चालक का मौसेरा भाई भी ऑटो में था। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह मुंह दबाकर छात्रा से जबरदस्ती करने लगा। वे छात्रा को कॉलेज छोड़ने के बजाय एयरपोर्ट चौक ले गए, वहां से सिरसा रोड की तरफ ले जाने लगे, तो इसी दौरान सरकारी गाड़ी से जा रही DSP भारती डबास की नजर ऑटो पर पड़ी और लड़की के पांव आगे पीछे होते दिखाई दिए। उन्होंने मौके पर ऑटो सिरसा रोड पर रुकवाया तो छात्रा काफी सहमी हुई थी। छात्रा ने कहा कि अगर आप नहीं आती तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता। इसी दौरान दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP भारती डबास ने बताया कि हिसार में पर्दे लगी ऑटो में छात्रा से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने ऑटो चालक का पीछा किया और पर्दा हटाकर देखा तो एक युवक ने छात्रा का मुंह दबा रखा था। उन्होंने बताया कि छात्रा सहमी हुई थी और वह उन्हें देखकर बिलख पड़ी। उसने बताया कि वह कॉलेज जाने के लिए ऑटो में बैठी थी, कॉलेज छोड़ने के बजाय पर्दों की आड़ में गलत काम करने की कोशिश की। दोनों आरोपी दुष्कर्म के बाद हत्या भी कर सकते थे। ऑटो से चाकू भी बरामद किया गया है। विनोद व चालक का चचेरा भाई नवीन के खिलाफ मारपीट, अपहरण, छेड़छाड़, धमकी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि हिसार में मिलगेट कैंची चौक से छात्रा कॉलेज के लिए ऑटो में बैठी, चालक का मौसेरा भाई भी ऑटो में था। वह मुंह दबाकर छात्रा से जबरदस्ती करने लगा। वे छात्रा को कॉलेज छोड़ने के बजाय एयरपोर्ट चौक पर सिरसा रोड की तरफ ले जाने लगे। उन्होंने DSP भारती डबास की नजर ऑटो से बाहर निकल रहे पैरों पर पड़ी और उसका पीछा करके उन्होंने ऑटो रुकवाया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इसी दौरान दोनों को काबू कर लिया है। वही DSP ने बताया कि लड़की को उसके परिजनों को सपुर्द कर दिया है। दिल्ली सिरसा हाईवे पे, और जब हम गश्त कर रहे थे तो हमने पाया कि एक ऑटो जो है काफ़ी संदिग्ध हालत में हमें चलता हुआ दिखाई दिया। वो ऑटो बिल्कुल कवर्ड था ब्लैक पर्दों से, तो हमने उसको रुकवाने की कोशिश की, सायरन ऑन किया। और जब हमने कोशिश की रुकवाने की तो जो ऑटो चालक था उसने ऑटो को काफ़ी तेज़ दौड़ा लिया, इससे हमारा शक और भी पुख्ता हो गया। तो हमने कोशिश करके जैसे ही ऑटो को साइड में लगवाया, हमने पाया कि उसमें एक लड़की जो लगभग बेसुध हालत में थी, और वो हमें देखते ही उसने बचाओ जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। और दो लड़के थे उसमें, एक ऑटो चालक था और एक ऑटो चालक का भाई था। तो हमने वहीं जो है गाड़ी को काबू किया, उन दोनों को काबू किया और साथ में लड़की को हमने पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि जो लड़के थे दोनों लड़की का अपहरण कर रहे थे, और उनकी ये मंशा थी सुबह से कि आज ज़्यादा धुन होने की वजह से किसी ना किसी लड़की को महिला के साथ हम उसको उठा के अपने ऑटो में कोई गलत काम को अंजाम देंगे और उसके बाद उसको मार देंगे। नहीं, ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, और बाकी हम वेरीफाई भी करा रहे हैं। दोनों जो लड़के हमने राउंड अप किए हैं उनमें से विनोद जो है वो HDM थाने का रहने वाला है, और जो नवीन है वो गाँव अमीरपुर का है। तो दोनों को ही हम राउंड अप कर लिया था हमने वहाँ मौके से, और जो बाकी तफ्तीश है वो भी जारी है। छात्रा जब हमने रिकवर किया उसको काफ़ी बेसुध थी, काफ़ी डरी सहमी घबराई हुई थी, लेकिन हमने उसकी काउंसलिंग करवाई लीगल एड के सामने, और उसके माता पिता को भी बुलाया, उनको आश्वासन दिया कि जो भी उनके साथ जितना बुरा हुआ है हम जो अक्यूज है उनको पकड़ के सख्त से सख्त उनको सजा दिलवाएं। कहानी ये थी कि जैसे कि मैंने बताया कल और आजकल के दिनों में धुंध बहुत ज़्यादा है, तो जो ये लड़के हैं ये एक उनमें से जो एक है वो ऑटो चालक है, दूसरा जो है वो उसी की मौसी का बेटा था, यानी कि उसी का भाई था।
तो उन दोनों ने सुबह से ही इनकी प्लानिंग थी कि हम आज किसी महिला को अपने ऑटो में, जो कि ऑटो दोनों तरफ से ढका हुआ था काले कपड़े से, तो किसी का भी उसमें चलते हुए ऑटो में क्या हो रहा है ये जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर यही सोचते हैं कि ऑटो जो है सवारी लेके जा रही है। तो इनका यही प्लानिंग थी सुबह से कि आज हम किसी महिला को किडनैप करेंगे, उसका मर्डर करेंगे और उसका रेप करेंगे। तो ये शुरू से ही अपनी, जब हमने इनसे पूछताछ की तो पहली बात यही सामने आई कि विद प्लानिंग चले थे, और हमने इनके ऑटो से जब हमने मुलाहजा किया ऑटो का, तो उसमें से हमने चाकू भी बरामद की। तो लड़की ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने जो है उसको चाकू की भी धमकी दी थी कि अगर वो नहीं मानेगी उनकी बात, उनके अनुसार नहीं करेगी, तो उसको चाकू से वो मार देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.